हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ओऔथ के बारे में। ओऔथ क्या है और ओऔथ का क्या यूज है। सो व्हाट इज द ओऔथ? ओऔथ क्या है? ओऔथ का मतलब होता है ओपन ऑथोराइजेशन, मींस ये पूरे ऑथोराइजेशन के लिए यूज होता है, नहीं के ऑथेंटिकेशन के लिए। सो अगर आप ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के बारे में नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, जिसमें मैंने ये ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की लिंक ऐड की हुई है। सो ओऔथ इज एन ओपन स्टैंडर्ड ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द टोकन बेस्ड ऑथोराइजेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओऔथ एक टोकन बेस्ड सिस्टम है, जो इस टोकन का यूज करके हम इंटरनेट पे एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं विदाउट द क्रेडेंशियल। सो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि आपको आपके जो वीडियोज है उसे ऑनलाइन वीडियो एडिटर में एडिट करना है, और आपके सारे वीडियोज जो है वो गूगल ड्राइव में ऑलरेडी मौजूदा है। सो अगर आप गूगल ड्राइव से एक एक वीडियो डाउनलोड करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन वीडियो एडिटर में अपलोड करते हैं, तो उसमें काफी समय चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑनलाइन वीडियो एडिटर को अपने गूगल ड्राइव का एक्सेस देते हैं। बट एज अ सिक्योरिटी कंसर्न वी आर नॉट गिविंग टू अलाउ टू द क्रेडेंशियल फॉर ऑनलाइन वीडियो एडिटर। हम वीडियो एडिटर को हमारे क्रेडेंशियल नहीं दे सकते। सो हियर वीडियो एडिटर को हम कैसे अपने क्रेडेंशियल दिए बिना गूगल ड्राइव का एक्सेस दे? सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ओऔथ। सो ओऔथ कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो जब भी आप वीडियो एडिटर को बोलोगे कि मेरे गूगल ड्राइव को एक्सेस कर, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो अपने सिक्योरिटी की और एनी अदर इंफॉर्मेशन के साथ वो गूगल ड्राइव पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। क्यों रिडायरेक्ट करेगा? वो गूगल ड्राइव से आपकी ऑथोराइजेशन टोकन के लिए आपको गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट करेगा, एक्सेस टोकन के लिए आपको गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट करेगा। सो गूगल ड्राइव अब क्या करेगा? गूगल ड्राइव आपके पास आपकी ऑथोराइजेशन के लिए, परमिशन के लिए आपको एक पॉपअप देगा कि आप इस साइट को अलाउ करना चाहते हो, आप अपना डेटा इस साइट के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते और आप उसको डिक्लाइन करते हैं तो ये प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगी, और अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो गूगल ड्राइव वहां पे आपकी एक ऑथोराइजेशन की टोकन जनरेट करेगा, जिसे एक्सेस टोकन भी बोल सकते हैं। ये एक्सेस टोकन वो वीडियो एडिटर को वापस देगा और वो आपको रिडायरेक्ट करेगा वीडियो एडिटर के पर। सो वीडियो एडिटर इस एक्सेस टोकन का यूज करके नए आपके जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो ले सकता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वीडियो एडिटर सेंड द रिक्वेस्ट टू द गूगल ड्राइव, जब भी वीडियो एडिटर को कोई भी डेटा चाहिएगा गूगल ड्राइव से, वो आपकी एक्सेस टोकन के साथ वो गूगल ड्राइव पे रिक्वेस्ट करेगा। अभी गूगल ड्राइव क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट टोकन को वैलिड है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर आपकी जो रिक्वेस्ट टोकन है वो वैलिड होगी तो उसके साथ वो रिस्पॉन्स में आपको जो भी डेटा वीडियो एडिटर को भेज रहा है वो डेटा के साथ वो रिडायरेक्ट करेगा ऑनलाइन वीडियो एडिटर को। सो जब भी वीडियो एडिटर को गूगल ड्राइव से नया डेटा चाहिएगा वो ये आपकी एक्सेस टोकन के यूज करके वो डेटा वहां से यूज कर सकता है। तो इसे बोलते हैं ओऔथ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओऔथ। अब हम देखेंगे एक लाइव एग्जांपल के साथ। इस एप्लीकेशन में मैं अपने आप को गूगल के साथ ऑथेंटिकेट करके मेरा गूगल का जो भी अकाउंट का जो डेटा है उसको मैं इस एप्लीकेशन को शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पहले मेरे को गूगल में ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। अभी मैं गूगल में ऑथेंटिकेट हो चुका हूं, अभी गूगल मेरे को ऑथोराइजेशन का पॉपअप दिखा रहा है। ऑथोराइजेशन का पॉपअप क्या है? ये ऑथोराइजेशन का पॉपअप इसलिए दिखा रहा है, वो हम मुझसे मेरी परमिशन मांग रहा है कि मैं इसके साथ मेरे डेटा शेयर करूं या ना करूं। सो इन नेटवर्क अब हम
सो अब हम इसे कंफर्म करते हैं, मैं उसको अपनी परमिशन देता हूँ कि तुम मेरा जो भी डेटा है वो ई विजबुक के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे ही मैंने कंफर्म दबाया, गूगल ने रिडायरेक्ट किया ई विजबुक के प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे मेरे को कुछ एफसी एक्सेस टोकन जैसा कुछ डेटा मिला है। ये जो डेट एक्सेस टोकन है उसका यूज करके ई विजबुक गूगल के साथ मेरा जो भी डेटा है वो प्राप्त करता है, जो जो भी डेटा है वो वहाँ गूगल से लेके उसके थ्रू वो यहाँ पे मेरे को ऑथेंटिकेट करके उसकी सिस्टम में लॉगिन करवा देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओऑथ, जहाँ पे हम वो एक्सेस टोकन का यूज करके लॉगिन करते हैं, जहाँ पे एक्सेस टोकन का यूज करके कई अदर इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सो यहाँ पे एक्सेस टोकन यूज करके हम कोई और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कोई इमेज लेनी है, जैसे कि मेरा कोई नया नाम लेना है गूगल से, मेरा ईमेल लेना है। सो उस टाइम पे मेरे को कहीं पे भी मेरा क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो उस प्रोसेस को बोलते ओथ। आई होप अब आपको ओथ क्या है और कैसे वर्क करता है वो आपको मालूम हो चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।